हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा. आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में डीसी मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स पर मैंने काफ़ी वीडियोस बना दिए, छोटे छोटे ही बनाए हैं. एक साथ सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक टाइप की मोटर का या सब कुछ एक ही वीडियो में मैंने नहीं एक्सप्लेन किया है. अलग अलग वीडियोज़ में मैंने अलग अलग मोटर्स के लिए अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन किए हुए हैं. और आज हम वो सारे एक्सप्लेनेशन के साथ डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, या स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा भी बोला जाता है, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स समझने जा रहे हैं. अब डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में मैंने लॉन्ग शंट कंसिडर करके रखा है. पहले भी आप देख चुके, हमेशा मैं लॉन्ग शंट ही कंसिडर करती हूँ. क्या? क्योंकि यहाँ पर केवीएल केसीएल और बाकी इक्वेशंस को हैंडल करना आसान होता है, इसलिए. अदरवाइज लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. लॉन्ग शंट का मतलब है कि शंट वाइंडिंग का जो फील्ड फ्लक्स होता है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा सीरीज फील्ड फ्लक्स के रिस्पेक्ट में. अब यहाँ पर ये लॉन्ग शंट डीसी मोटर है जिसमें एक शंट वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग, और एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग है. अब कम क्यूमुलेटिव है मतलब दोनों फ्लक्सेस एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मतलब एडिटिव है, तो टोटल फ्लक्स दोनों के एडिशन से होगा. शंट फ्लक्स जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि शंट फ्लक्स कौन प्रोड्यूस करता है, इस पर्टिकुलर वाइंडिंग से बहने वाले करंट की वजह से शंट फ्लक्स डेवलप होता है. इसमें से बहने वाला करंट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि उसके अक्रॉस का वीटी, इसका खुद का रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो नेचुरली ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आईएसएच भी कांस्टेंट रहेगा. और आईएसएच कांस्टेंट रहेगा तो इसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला जो फ्लक्स होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है. वेरिएबल कौन सा रहता है? सीरीज फ्लक्स. लो वैल्यूज ऑफ आई ए पर सीरीज वाइंडिंग से बहने वाला जो करंट है वो किस पर डिपेंड करता है? लोड पर. लोड वेरी होगा तो आई ए वेरी होगा. तो मैं लो लोड की बात कर रही हूँ, मतलब लो वैल्यू ऑफ आई ए की. जब आर एस सी से कम करंट बहता है तब फ्लक्स जो होता है, कम फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है वो हमेशा आई ए के प्रोपोर्शनल रहता है. पर एक बार लोड अगर हम ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से आई ए करंट भी ज़्यादा फ्लो होता है, मतलब हाई आई ए फ्लो हो रहा है, तो हाई आई ए की वजह से पोल्स जो है वो सैचुरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कांस्टेंट फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन मिलता है सीरीज फील्ड वाइंडिंग से. तो हाई वैल्यूज ऑफ आई ए पर सीरीज फ्लक्स जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है. तो यहाँ पर आई ए की वैल्यूज लो है तो फाई एस सी प्रोपोर्शनल टू आई ए होता है, और उस प्रोपोर्शनैलिटी में मैंने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के वन ले आई हूँ, तो के वन आई ए ऐसी वैल्यूज लो वैल्यूज ऑफ आई ए पर सीरीज फ्लक्स की होगी, और हाई वैल्यूज ऑफ आई ए पर सीरीज फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है. अब जब हम इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं, उसमें सब में मैंने बताया था कि तीन टाइप के एक्सप्रेशंस पर हमें बात करनी होती, फ्लक्स, स्पीड और टॉर्क. हमें स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, तो मैं तीनों एक्सप्रेशंस की बात करूँ. स्पीड का एक्सप्रेशन लेती आई हूँ ई बी अपॉन के फाई. ये जनरल सारी डीसी मोटर्स पर इम्प्लीमेंटेड है. हाँ, फ्लक्स हर डीसी मोटर में, एक पर्टिकुलर डीसी मोटर में कैसा रहेगा उस पर डिपेंड करता है. और ई बी का जो एक्सप्रेशन वी टी माइनस आई ए इंटू रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस क्या क्या, कौन कौन से रेजिस्टेंसेज होंगे उस पर निर्भर करता है. हाँ, कौन कौन से, मतलब आर्मेचर रेजिस्टेंस और सीरीज वाइंडिंग है आर्मेचर के साथ, तो आर एस सी भी आ जाता है. तो ई बी को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ के वी एल इक्वेशन से, वी टी माइनस आई ए आर ए और माइनस आई ए आर एस सी. तो माइनस आई ए और ब्रैकेट में आर ए प्लस आर एस सी टोटल रेजिस्टेंस ले लिया. डिनोमिनेटर में के तो है ही, पर फ्लक्स यहाँ पर कौन सा लेना पड़ेगा मुझे, फाइव एस सी प्लस फाइव एस एच, तो वो ले लिया. अब टॉर्क का एक्सप्रेशन जनरल वाला के टाइम्स ऑफ फाइव आई ए होता है, पर अब मैं क्यूमुलेटिव कंपाउंडिंग के लिए फ्लक्स को रिप्लेस कर देती हूँ फाइव एस एच प्लस फाइव एस सी से. यहाँ पर जब हमें स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है तो आई ए को मैं रिप्लेस कर देती हूँ इन टर्म्स ऑफ टॉर्क, ताकि स्पीड और टॉर्क के बीच में एक एक्सप्रेशन आ जाए. तो आई ए को जब मुझे टॉर्क के रिस्पेक्ट में रिप्लेस करना है तो आई ए का एक्सप्रेशन यहाँ से निकाल लेते हैं. तो आई ए इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन के टाइम्स ऑफ फाइव एस एच प्लस फाइव एस सी हो जाएगा, वो आई ए का एक्सप्रेशन हो जाएगा. अब इस आई ए के एक्सप्रेशन को मैं सब्सटीट्यूट कर देती हूँ स्पीड के एक्सप्रेशन में, तो वी टी अपॉन के फाइव एस एच प्लस फाइव एस सी ये टर्म आएगी, और दूसरी टर्म आएगी माइनस, और आई ए की जगह हमने टाउ अपॉन के फाइव एस एच प्लस फाइव एस सी और ये पूरा लिखा, तो वो आ जाएगा टाउ ब्रैकेट में आर ए प्लस आर एस सी न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में के स्क्वायर फाइव एस एच प्लस फाइव एस सी स्क्वायर इतना आएगा.
अब आपको इस स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना है, तो स्पीड और टॉर्क के रिलेशन को अगर हम देखें तो ये वाला जो है स्पीड वर्सेस टॉर्क का, या टॉर्क के लोड के रिस्पेक्ट में आए बदलेगा, आए के रिस्पेक्ट में टॉर्क बदलेगा, और टॉर्क के रिस्पेक्ट में स्पीड कैसे बदलेगी वो हम यहाँ से स्टडी कर सकते हैं, या इस एक्सप्रेशन से स्टडी कर सकते हैं। तो नेचुरली यहाँ पर ये जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर है ये शंट मोटर जैसा ज़्यादा बिहेव करता है, मतलब शंट फ्लक्स जो होता है या शंट फील्ड वाइंडिंग जो रहती है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग रहती है विथ रिस्पेक्ट टू द सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो इसका मतलब ये जो कर्व बनेगा ये मोर लाइक शंट मोटर बनेगा और लेस लाइक सीरीज मोटर बनेगा। हाँ, इस पर्टिकुलर टर्म की वजह से एक हाइपरबोला टाइप का शेप आ सकता है, पर इस टर्म की वजह से हमें निगेटिव स्लोप वाली जो है लाइन मिल सकती है। तो डोमिनेंस किसका रहता है? शंट टाइप की मोटर का ज़्यादा रहता है, मतलब शंट फील्ड का डोमिनेंस ज़्यादा है। तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा हमें किसके जैसा दिखेगा, मिलेगा शंट डीसी मोटर जैसा। सीरीज डीसी मोटर का डोमिनेंस नहीं है, उसका जो इम्पैक्ट है वो लेस है, तो हमें क्यूमुलेटिव कंपाउंड का कर्व जो है वो शंट डीसी मोटर जैसा ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर मैं बात कर सकती हूँ लो वैल्यूज ऑफ आई ए पर एक्सप्रेशन क्या होगा स्पीड वर्सेस टॉर्क का, तो वो हाइपरबोला टाइप का मिलेगा, पर वो हाइपरबोला प्लस शंट वाइंडिंग का डोमिनेंस ज़्यादा होने की वजह से वो इस टाइप का कर्व हमें ड्रूपिंग टाइप का मिलेगा। हाई वैल्यूज ऑफ आई ए पे भी ये हमें थोड़ा सा लीनियर टाइप का मिलेगा, तो वो आगे जाके ये लीनियर हो ही जा रहा है सैचुरेशन की वजह से। तो कर्व का शेप शंट मोर लाइक शंट मोटर होगा। अब आप कहेंगे कि शंट मोटर्स के नीचे क्यूमुलेटिव कंपाउंड का कर्व क्यों है, तो मैं ये कहूँगी पहला तो एक जनरल स्टेटमेंट कि ये मोटर सीरीज मोटर और शंट मोटर दोनों के जैसा बिहेव करेगी, और जैसा अभी बताया ज़्यादा शंट मोटर जैसा बिहेव करेगी, तो ये जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड का कर्व होगा वो शंट और सीरीज के बीच में लाई करेगा, शंट और सीरीज मोटर के कर्व्स के बीच में लाई करेगा। इसी कंपेरिजन को बताने के लिए यहाँ पर शंट डी सी मोटर का भी कर्व ड्रॉ किया और सीरीज मोटर का भी स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किया है। फिर से मैं बोल दूं, शंट मोटर का भी स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किया है और सीरीज मोटर का भी स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किया, ये बताने के लिए कि क्यूमुलेटिव कंपाउंड जो लाई करता है कर्व इन दोनों के बीच में लाई करता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शंट से नीचे क्यूमुलेटिव कंपाउंड लाई करने का एक और रीज़न है, वो ये है कि शंट डीसी मशीन में जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट होता है, ये पार्ट हो फाई एस सी होता ही नहीं। मतलब अगर ये इसी एक्सप्रेशन को मैं शंट डीसी मोटर के लिए बताना चाहूँ तो मैं फाई एस सी को हटा दूंगी, मेरे पास से फाई एस एच रहेगा, पर फाई एस सी की वजह से फ्लक्स बढ़ गया है, डिनोमिनेटर बढ़ गया है, तो नेचुरली जब डिनोमिनेटर ज़्यादा बड़ा हो चुका है दोनों टर्म्स में, यहाँ तो स्क्वायर से बड़ा हो गया है और यहाँ पर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में यहाँ बढ़ रहा है और यहाँ पर सिंगल एडिशन के साथ बढ़ रहा है, तो नेचुरली स्पीड जो होगी वो कम होगी। मतलब शंट डीसी मोटर की स्पीड हमेशा ज़्यादा होती क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर से। कोई अगर आपसे रीज़न पूछे तो आप यही कहेंगे कि ड्रॉप ऑफ स्पीड इन क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर इज मोर दैन और रैपिड दैन शंट डीसी मोटर। रीज़न कि यहाँ पर सीरीज फ्लक्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, डिनोमिनेटर को बड़ा बड़ा बनाता जा रहा है, तो ज़्यादा रैपिड चेंजेस हो रहे हैं स्पीड में और ज़्यादा रैपिडली स्पीड कम हो रही है फाई सी फ्लक्स के बढ़ने की वजह से। तो यही रीज़न है कि शंट जो है शंट के रिस्पेक्ट में क्यूमुलेटिव कंपाउंड की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा रैपिडली ड्रुप होती है या ड्रॉप होती है, ऐसा कह सकते हैं। और हाँ, दूसरा रीज़न जैसे अभी मैंने बताया कि इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी है और शंट फील्ड वाइंडिंग भी है, तो कर्व जो लाई करेगा वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, और इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो पर ज़्यादा किसके जैसा है, शंट डीसी मोटर जैसा ये कर्व ज़्यादा होगा, क्योंकि शंट डीसी फील्ड वाइंडिंग शंट फील्ड वाइंडिंग का ज़्यादा डोमिनेंस है विथ रिस्पेक्ट टू द सीरीज फील्ड वाइंडिंग।
तो अब इसके बाद दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे बचे हैं एक्सप्लेन करने के लिए, वो डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी मोटर के लिए स्पीड वर्सेस टॉर्क और टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद मेरा पार्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आगे के स्पीड रेगुलेशन और ब्रेकिंग इन सब पर बात करूँगी। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।